Hey guys, welcome to my channel. Today we will start chapter 10, that is 10.1, rule of 3, Tridashik. जिसका त्रिराशिक मीन्स ये टोटली डिपेंड करता है आपका प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जो कि आप लोग क्लास 7 में बना चुके हो. सो ये चैप्टर एरिथमेटिक में आता है. बहुत इजी चैप्टर है. प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग क्लास 7 में बनाए हो और आप लोग को आई होप आप लोग को उसमें समझ में आया हो. फिर मैं थोड़ा इसमें बता दे रही हूँ कि जैसे मैंने जैसे कि यदि दाल का यानी कि पल्स का यदि मैंने रेट यदि मेरा मान लो कि मैं 2 रुपया में 2 केजी में यदि दाल खरीदती हूँ 80 रुपीज में, ओके, तो यदि मैं 4 केजी खरीदूं तो मेरा कितना लगेगा. इस टाइप का ये क्वेश्चन यदि रहे तो हम कैसे बनाएंगे. तो यदि देखो यहाँ पे क्वांटिटी मेरा बढ़ रहा है, पहले 2 केजी था तो 80 रुपीज लगा, अब यहाँ 4 केजी है तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा ये जो इसका प्राइस है वो भी बढ़ेगा ही, क्योंकि मेरा यहाँ क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा. इसका मतलब इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहे तो उसे बोला जाता है समानुपात, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शन. और यदि मेरा मान लो कि ये बढ़ रहा है लेकिन ये घट जाएगा, उस टाइप का होता है मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शन यानी कि विलोमानुपात, ओके. तो ये सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है. इसमें ये क्वेश्चन नंबर 10.1 एक्सरसाइज 10.1 इसमें सेम सब वही प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कि आज मेरे पिताजी 390 रुपए में 15 केजी चावल खरीद कर लाए. अगर पिताजी वही चावल 17 केजी खरीदते तो कितना यहाँ पे मूल्य लगता है. ये त्रिराशिक पद्धति से यहाँ पे मतलब रूल ऑफ 3 से इसे हमें बनाना है. तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि यहाँ पे क्वांटिटी है राइस का कितना है, ओके. क्वांटिटी यहाँ लिख दे रहे हम राइस का क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी ऑफ राइस, और यहाँ हम लिख रहे हैं प्राइस, ओके, प्राइस ऑफ राइस. क्वांटिटी मेरा कितना है, पहले मेरा 15 केजी है तो 15 केजी में हम ले रहे हैं 390 रुपीज में हम 15 केजी ले रहे हैं, ओके. और अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 17 केजी मेरा यदि हम लें तो 17 केजी यदि हम ले तो यहाँ कितना मेरा पैसा होगा यानी कितना प्राइस का रहेगा. जाहिर सी बात है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, यदि मेरा 15 केजी यहाँ हम ले रहे हैं, 15 केजी ले रहे हैं तो 390 लग रहा है, जब 17 केजी लेंगे तो मेरा बढ़ेगा ही प्राइस. इसका मतलब ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यानी समानुपात है, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द क्वांटिटी ऑफ राइस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ राइस विल इंक्रीजेस, ओके, प्राइस ऑफ राइस विल इंक्रीजेस. सो द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, क्योंकि ये समानुपात है. मेरा जब ये बढ़ रहा है तो ये भी मेरा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. सो हम यहां लिखेंगे सो द क्वांटिटी एंड प्राइस विल बी directly proportional, okay, directly proportion. So मेरा ये कैसा बनेगा देखो. So हमें इसे कैसे हम सजाएंगे, 15:17 और इसे बोला जाता है प्रोपोर्शन
एंड 390 इस टू, इसे हम मान लेते हैं कि मेरा x है, ओके। तो हम यहाँ लिखते हैं रेशियो का हो जाता है y 15/17 इक्वल टू प्रोपोर्शन इक्वल टू 390/x, ओके। 15x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 390 इंटू 17, ठीक है। सो यहां x इक्वल टू 390 इंटू 17/15, ओके। 390 इंटू 17/15 होगा, ठीक है। हम यहां कट करेंगे 26 इंटू 17 आया, 26 इंटू 17 दैट इज x इक्वल टू कितना आया मेरा, आप लोग मल्टीप्लाई करना 442, इतना रुपीज आएगा, ओके 442। सो यहां पे प्राइस यहां लिखेंगे हम, प्राइस ऑफ राइस, प्राइस ऑफ 17 केजी राइस यहां पे लिखेंगे हम, 17 केजी राइस इक्वल टू मेरा बढ़ गया यानी 442, इतना रुपीज होगा, ओके दैट इज द आंसर, ओके। सो अब हम क्वेश्चन नंबर टू बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है, वेंकट मामा ने 20 मीटर छीट के कपड़े से एक ही माप के चार फ्रॉक बनाते हैं, इसी प्रकार 12 फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। ये सेम क्वेश्चन नंबर वन है, यहाँ पे 20 मीटर कपड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पे कपड़ा कितना है, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले फ्रॉक लिखेंगे, नंबर ऑफ फ्रॉक एंड क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ। यहाँ नंबर ऑफ फ्रॉक पहले कितना है दिया हुआ है, 4 फ्रॉक है, ठीक है। यहाँ 4 फ्रॉक है एंड यहाँ क्वांटिटी है मेरा 20 मीटर, क्लोथ का क्वांटिटी कितना है 20 मीटर, ठीक है। तो और यहाँ फिर अब बोला जा रहा है कि यदि उसी तरह से हम 12 फ्रॉक बनाते हैं तो मेरा कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो यहाँ सेम आप लोग देख रहे हो कि जब 4 मीटर आ रहा है तो 4 फ्रॉक बनाने में 20 मीटर लग रहा है, तो यहाँ 12 फ्रॉक बनाने में जाहिर सी बात है कि ज्यादा लगेगा क्वांटिटी, यदि क्लोथ का ज्यादा लगेगा कपड़ा। सो ये क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसे हम आराम से बना सकते हैं सेम एज क्वेश्चन नंबर वन। सो आप लोग इसे बना देना, ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा ही हो। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला जा रहा है, बकुलतला गांव में एक तालाब को काटने में 30 लोगों को 15 दिनों का समय लगता है, यदि 25 आदमी उस तालाब को काटे तो कितना समय लगेगा। आप लोग यहां पे ध्यान से देखो, पहले क्या दिया हुआ है, पहले हम ये लिखते हैं कि यहाँ पे दिया है क्या, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं कि नंबर ऑफ पीपल, यानी कितने मेरे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, एंड इधर हम लिखते हैं कि कितना दिन लगता है, डेज। नंबर ऑफ पीपल पहले है मेरा 30, यहाँ पे 30 लोग काम कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए। अब यदि 25 आदमी उस तालाब को काटे तो कितना, कब काम खत्म होगा, कितने दिनों में काम खत्म होगा, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 25 हम लिखेंगे, यहाँ मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब आप लोग देखो कि 30 आदमी यदि काम करता है तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा काम, 30 पीपल यदि हम काम करें तो 15 डेज लगेगा, लेकिन यदि 25 यदि आदमी कम हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, काम खत्म होगा क्या जल्दी, नहीं, काम जल्दी खत्म नहीं होगा, क्या होगा कि दिन और बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरा आदमी जब कम हो रहा है, यदि
25 यहाँ पे यदि ये डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे मेरा डे इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जब यहाँ डिक्रीज और ये इंक्रीज, इसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, यानी विलोमानुपात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इफ द नंबर ऑफ डेज इंक्रीजेस इफ द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेस द डेज विल इंक्रीजेस। ओके, सो डेज सो दे विल be inversely proportion, okay? इनवर्सली प्रोपोर्शन हो रहा है। ठीक है, यानी विलोमानुपात हो गया। तो अब यहां पे लिखेंगे कि लेट डेज विल बी एक्स। ओके, सो अब यहां पे हम रेशियो बनाते हैं। ठीक है, 30:25 प्रोपोर्शन 15:x। ओके, 15:x 30। अब यहां पे आप देखो, मैं इधर से इसको सजा के लिख दे रही हूं इस टाइप से। मैं इसे ऐसे लिख दे रही हूं, एक्स का टर्म इधर आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ 15/x, लेकिन अब यहाँ इक्वल टू के बाद यहाँ पे पता है क्या चेंज होगा, ये जो नीचे है वो ऊपर चला आएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ 25 ऊपर आ जाएगा, 25/30 इस टाइप का होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शन यही होता है, यानी यहाँ 30/25 होता, लेकिन यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसलिए यहाँ पे 25/30 होगा। ओके, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यही यहाँ पे चेंजिंग आया है। सो यहाँ लिखते हैं 25x मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल टू 15:30। ठीक है, सो x इक्वल टू 15:30/25। ठीक है, 5 से हम कर रहे हैं 6। ठीक है, यहाँ 6 3 18 आया। सो हम यहाँ x इक्वल टू मेरा 18, x इक्वल टू 18 आया। 18 क्या है, मेरा डेज है। ओके, सो x मेरा यहाँ पे डेज है, मैं जानती हूँ यहाँ पे x इक्वल टू मेरा डेज है, यानी कि जब मेरा आदमी यदि घट रहा है, पीपल यदि मेरे 25 हो रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे कितने दिन लग रहे हैं काम कंप्लीट करने में, 18 डेज लग रहे हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सो 25 मैन विल रिक्वायर 18 डेज। ओके, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, मेरी चाची 40 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाकर 5 घंटे में मामा के घर गई, यदि चाची 50 किलोमीटर के वेग से गाड़ी चलाती तो कितना समय लगता। यहाँ पे दिया हुआ है मेरा स्पीड। ओके, स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द, सो यहाँ लिखेंगे हम स्पीड ऑफ कार और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। ठीक है, ये दोनों है मेरा, ये किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे ये भी टाइम है मेरा, आवर में है। तो यहाँ पहले स्पीड मेरा दिया हुआ है 40 किलोमीटर और टाइम मेरा दिया हुआ है 5 आवर्स। ओके, 40 किलोमीटर, और उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि 50 किलोमीटर
से वो 50 किलोमीटर पर आवर्स के यदि स्पीड से वो चलाती तो यहाँ पे कितना टाइम लगता। तो आप लोग देखो यहाँ ध्यान से देखो कि ये 40 किलोमीटर है तो 5 घंटा लग रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से जाती है तो यहाँ पे 5 घंटा यानी 5 आवर्स लग रहा है। लेकिन यदि वो 50 किलोमीटर पर आवर्स यानी स्पीड यहाँ पे जब बढ़ रहा है तो यहाँ टाइम मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी जब स्पीड ऑफ द कार इंक्रीजेस द टाइम विल बी डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो ये सेम इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो आप लोग ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, इसको पलट देना, यही पलटा जाता है, बाकी ये एक्स मान के हम पुट कर लेंगे। तो सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, आप लोग इसे बना लेना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया हो। सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे नए नए अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। ओके, थैंक यू।